और कोटा में फंसे हजारों छात्रों के घर वापसी हो रही है, लेकिन बिहार के स्टूडेंट अब भी कोटा में ही फंसे हुए हैं। अपनी आवाज को नीतीश सरकार तक पहुंचाने के लिए अब स्टूडेंट धरने पर बैठ गए हैं। कुछ छात्राएं अपने हॉस्टल के बाहर हाथों में तख्तियां लेकर अनशन कर रही हैं और ये गुहार लगा रही हैं कि उन्हें भी घर भेजा जाए। ये चार तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। आप कहां से हैं? सरकारों ने लॉकडाउन तो कर दिया, लेकिन वो महापलायन को नहीं रोक पाए। आज भी, जबकि दूसरे लॉकडाउन का ये नौवां दसवां दिन चल रहा है, पलायन लगातार जारी है। आप देखिए, मजदूर हैं, इस तरह के लोग लगातार सैकड़ों किलोमीटर चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं कि आज न तो कल अपने घर जरूर पहुंच जाएंगे। ये लोग बिहार के भागलपुर से हैं और रामपुर की कपड़ा फैक्ट्री में काम करते हैं। दो दिन तीन दिन से चलते हुए ये लखनऊ पहुंचे हैं और इसके बाद यहां से इनकी इनके घर की दूरी अभी 1000 किलोमीटर से ज्यादा है। कहीं किसी ने लिफ्ट दिया तो पहुंच आगे बढ़ गए, नहीं तो यूं ही थके अनथके चलते रहे। ये देखिए, ये लोग हैं और ये मजदूर हैं। कहां से हैं आप लोग भाई साहब, और कहां से कब चले हैं, कहां के लिए निकले? हम रामपुर से परसों रात में निकले हैं और मैं बिहार भागलपुर डिस्ट्रिक्ट जा रहा हूं। परसों रात को निकले हैं आप लोग, ये चारों लोग, और कैसे आ रहे हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं, क्या यहाँ से आगे कहाँ जाएंगे? पैदल भी चल लेते हैं, अगर कोई लिफ्ट मांगता है तो लिफ्ट में दे देता है तो ठीक है, नहीं तो पैदल निकल लेते हैं। पैदल निकल जाएंगे।